मनुष्य की जैसे जन्म भी ले रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, परंतु भगवान कहते हैं गीता जी में कि अरे प्यारे, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं। अज्ञानी लोग, मायाप्रद लोग मुझे नहीं समझ सकते हैं, वो लोग मुझे एक मनुष्य की जैसे समझते हैं कि जैसे मनुष्य का जन्म होता है ऐसे भगवान भी जन्म लिए, और जैसे मनुष्य कर्म करता है ऐसे भगवान भी कर्म करते हैं, जैसे मनुष्य का देह है ऐसे भगवान का देह है। तो मनुष्य ही जैसा ही समझते हैं, ये अज्ञानी व्यक्ति मुझे नहीं जानते हैं, क्योंकि भगवान की माया का पर्दा बड़ा जबरदस्त है, वह उनको पहचानने नहीं देते। इसलिए भागवत जी के आरंभ में कह दिया, मोहियन्ते यत् सूरयः। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा देवता ऋषि मुनिगण नहीं जान पाते हैं, हम लोगों को क्या बात है, देवता लोग नहीं जान पाते हैं। भगवान उठने के बल चलते चलते जब द्वार से बाहर निकलना चाहते हैं तो देहरी को लांग रहे हैं। देहरी तो समझते हैं ना, देहरी जो दरवाजे के बाहर और भीतर के बीच में जो चौखाट बनाते थे उसकी एक देहरी बनती थी, थोड़ी सी ऊंची होती। बालक रूप में भगवान बाहर जाना चाहते हैं पर देहरी से पार नहीं कर पाते हैं, उस देहरी पे चढ़ने लगते फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर चढ़ने लगते फिर गिर जाते हैं। देवता लोग कहते हैं ये ब्रह्मा कैसे हो सकता है, ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं। अरे परमात्मा ये तो वही वामन है ना, जिसने एक पाँव में धरती को लांग लिया, एक पाँव में लोक लोकांतर सबको नापा, तब फिर ये एक छोटी सी देहरी को लांगने में इतना संकोच, ये तो भगवान हो नहीं सकते, मन में संशय आ जाता है। इसलिए उसको परमात्मा ही नहीं जान रहे, बड़े बड़े महात्मा लोग नहीं जान पाते हैं कि वो भगवान हैं। आगे आप बाल लीलाओं में सुनेंगे, आप बाल लीलाओं में सुनेंगे कि ब्रह्मा जैसे देवताओं को भी जब संशय हो गया कि ये परमात्मा है कि नहीं। भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, इसलिए जन्म भी हो रहा है तो जन्म न कह करके उसको कह रहे हैं कि वो प्रकट हुए हैं, प्रकट। इसलिए प्रकट होने वाले में और जन्म होने वाले में अंतर है। जन्म होने वाला स्वतंत्र नहीं होता है, जिस समय उसका जन्म होना है उसी समय जन्म होता है, जैसे होना है वैसे होता है, परंतु प्रकट होने वाला परमात्मा वह अपनी मनसा से अपनी इच्छा से जब चाहे जैसे चाहे प्रकट होता है। भगवान प्रकट हो गए जेल के भीतर। और एक बात देखो, ये जेल में भगवान प्रकट हुए हैं तो जेल में नंदोत्सव थोड़े ही मनाया, भगवान प्रकट तो जेल में हुए। योग माया के कहने से भगवान को वसुदेव जी लेकर के गोकुल में आए और नंद राय जी के यहाँ पर रख दिया। वहाँ पर जन्मी हुई बालिका को लेकर के, कन्या को लेकर के चले। इसलिए जेल में उत्सव नहीं आया, जेल में आनंद नहीं हुआ, जेल में आनंद नहीं है। अरे श्री कृष्ण ने जन्म लिया मामा की जेलों में,
श्री कृष्ण ने जन्म लिया काम की झेलों में। श्री कृष्ण ने जन्म लिया मामा की झेलों में। श्री कृष्ण ने जन्म लिया मामा की झेलों में। मामा की झेलों में, मामा की झेलों में, मामा की झेलों में, मामा की झेलों में। श्री कृष्ण ने जन्म लिया मामा की झेलों में। श्री कृष्ण ने जन्म लिया मामा की झेलों में। और ना कोई बुआ ना कोई ताई, ना कोई बुआ ना कोई ताला, ना कोई बुआ ना कोई ताई, ना कोई बुआ ना कोई ताई। उत्सव कौन मनावे मामा के जेलों में। अरे उत्सव